चाहते हैं आप? मेरा नीट का रिज़ल्ट आ चुका है, उसके बाद मेरा एडमिशन MBBS के लिए होगा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, और उसके बाद मैं वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा और डॉक्टर बनूँगा। डॉक्टर बनिए? नहीं, मतलब डॉक्टर बनना मेरा मोटिव था कि मेरे गांव का नाम सबसे ज़्यादा हो और उसके साथ साथ मैं अपने एरिया के सारे लोगों का इलाज कर सकूँ। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। अभी मैं हूँ बिहार के सिवान जिला में, और सिवान जिले में बात किया जाएगा तो बहरिया प्रखंड एक चर्चित प्रखंड है। यही बहरिया प्रखंड के अंतर्गत एक गांव आता है मननपुरा। इस गांव का लड़का गांव के साथ साथ पूरा प्रखंड का नाम को रोशन कर रहा है, यानी नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट कुछ ही दिन पूर्व पहले आया है और ये लड़का 832वां रैंक लाया है और रैंक लाकर अपने गांव के साथ साथ पूरा अपने ज़िले के नाम को रोशन कर रहा है और अपने पिताजी का और अपने सपना को साकार कर रहा है। MBBS में तब्दील होने जा रहा है लड़का। बहरहाल इनके संघर्ष के बारे में हम जानेंगे, कब ये बढ़हरिया छोड़कर पटना चले गए और पटना में कितना साल इन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि जो लड़का पटना में रहा होगा वो रोड की गर्दा और ठेले की समोसा भूला नहीं होगा, और तमाम मेहनतों के बाद ऐसा लड़का निखर कर आता है। और सिवान जिले में देखा जाए तो सबसे अब तक में वाले जिस जानकारी के मुताबिक अगर हमको मालूम है तो सिवान में सबसे ज़्यादा रैंक लाने वाला ये तबरेज नाम का लड़का है। हम इनसे इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। घर पर खुशियाँ का माहौल बना हुआ है, मिठाई खिलाकर बच्चों को हौसला को अफजाई कर रहे हैं, माला पहनाकर बच्चों को हौसला को अफजाई कर रहे हैं लोग। ऐसे तमाम बातों पे प्रकाश होगी, तबरेज से बात होगी, आखिर विजन क्या है इनके जिंदगी में। चलिए सबसे पहले आपके बधाई, बढ़िया का नाम को रोशन कर रहे हैं आप। जी शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, फ्रॉम बिगनिंग से पढ़ाई आपने कहाँ किया है? मेरा 10th पास आउट हुआ है इकरा पब्लिक स्कूल सिवान से, जहाँ मैं 10th CGPA वहाँ से मैंने लेके आया था CBSE बोर्ड से, और उसके बाद मैंने 12th में एडमिशन लिया DC इंटर कॉलेज में, और मैंने कोचिंग किया था आकाश इंस्टीट्यूट पटना में। मैंने 12th पास आउट किया 2019 में, जिसमें मेरा परसेंटेज था 71.6% पूरे बिहार बोर्ड से। पूरे बिहार बोर्ड से? यानी आप CBSE बोर्ड से पढ़ रहे थे? CBSE बोर्ड, मैंने 10th CBSE बोर्ड से किया, उसके बाद मैंने कन्वर्ट कर लिया था और मैं बिहार बोर्ड में एडमिशन ले लिया था मैंने। अच्छा, मतलब हिंदी बोर्ड से आपने 12th के एग्जाम को दिया है? जी। एक और सवाल है कि आप जब यहाँ पे 10th का पढ़ाई करते थे तो सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करते थे या अदर भी कोई काम था आपके अलावा? नहीं, मेरा सबसे बेस्ट हॉबी रहा है क्रिकेट खेलना, उसमें मेरा रुचि बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके साथ साथ मेरी हॉबी थी मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था, और मैंने एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से किया है और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे हम प्रकाश डालेंगे, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं आपके? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मेरी अम्मी मुखिया भी रह चुकी हैं और हाउसवाइफ भी हैं। एंड पूर्व मुखिया की मम्मी? जी, भावापाली पंचायत से पूर्व मुखिया थी वो। अच्छा, एक और सवाल ये है कि पटना में 2019 में आपने प्रवेश किया, 2019 में जी, लेकिन वहाँ पे माहौल कैसा रहा, कोविड था उस वक्त, आपने प्रिपेयर कैसे कर रहे थे? जब मैंने पटना में एडमिशन लिया था आकाश इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच में 2020 में मेरी पढ़ाई रुक गई थी क्योंकि कोविड का सिचुएशन आ गया था, और उसके बाद हम लोगों को हॉस्टल से मतलब भेज दिया गया था घर वापस, और उसके बाद मैंने पढ़ाई अपने घर से ही करी है। मतलब कोविड में सब लोग इधर उधर घूम रहे थे तो आपने पढ़ाई पर फोकस किया? जी, मैं घर पे बैठ के ही अपना ऑनलाइन क्लासेस भी चलती थी तो उसकी हेल्प से भी, और मैंने टेस्ट भी वहाँ आकाश से ही दिया था और घर से ही पढ़ाई की थी मैंने। कितना भाई हैं आप लोग? मैं 3 भाई हैं, और मतलब टोटल 6 भाई हैं, और अपने 3 भाई हम लोग हैं, जिसमें परवेज आलम है जो कि एडवोकेट हैं। बड़े भाई आपका? जी, वो LLB कर चुके हैं दिल्ली से, और मैं सेकंड नंबर हूँ, तबरेज आलम, और मेरा छोटा भाई अरबाज आलम है। तो आपने जब MBBS रिजल्ट आया नीट का, कब रिजल्ट आया आपका? मेरा रिजल्ट 3 नवंबर को आया था, रात के 9 बजे, जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे जी, आपके एरिया में। जी, कोई बात नहीं। अच्छा, और एक सवाल ये है कि पढ़ लिख कर ज़िंदगी में क्या कुछ करना चाहते हैं? मेरा नीट का रिज़ल्ट आ चुका है, उसके बाद मेरा एडमिशन MBBS के लिए होगा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, और उसके बाद मैं वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा और डॉक्टर बनूँगा। डॉक्टर बनिएगा? जी। अच्छा, डॉक्टर बनने का ख्वाब शुरू में कब देखे थे, कब रियलाइज़ हुआ कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए और मुझे एक क्रेक कर तब मुझे डॉक्टर में एडमिशन लेना चाहिए? डोनेशन भी दे सके आदमी, एडमिशन ले सकता है जी, लेकिन फिर ये ख्याल कब आया आपको? नहीं, मैं 10th में था तो सब कोई जानता है कि सबके घर किसी ना किसी का तबीयत ख़राब होता ही होता है, तो हम लोग देखते थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता था, किसी भी हॉस्पिटल में हम लोग जाते थे या फिर, और वहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे, तो वहीं से जुनून हुआ, और उसके बाद मैंने आकाश में एडमिशन लिया, तो मैं
PMCH भी बहुत बार जा चुका हूँ, तो वहाँ भी मैं देखता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर कोविड का सिचुएशन आ गया, तो यहाँ तो कोविड में तो सारे डॉक्टर्स ही थे जो अभी तक हमारे देश को मतलब सेफ कर चुके हैं, तो इनको देख कर और ज़्यादा प्रेरणा मुझे मिली और उसके बाद अभी मैं खुद डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। एग्जाम में नीट के एग्जाम में कितना बार आप बैठ चुके हैं? ये मेरा नहीं, मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। पिछले साल मैंने दिया था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया था, लेकिन इस बार मैंने फिर से मेहनत किया और घर से ही पढ़ के और मैंने अपना एग्जाम क्रैक किया इस बार। यानी कि आप पिछले बार भी दिए थे तो मतलब उतना रैंक नहीं आ पाया? नहीं, उतना रैंक नहीं था किसी भी कॉलेज में जी, लेकिन अब तो इतना अच्छा रैंक आया, मतलब बढ़िया कॉलेज में आपको ये मिल चयनित होगा जी। पहले पिछले साल मुझे डेंटल कॉलेज मिल रहा था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया था कि मुझे MBBS ही करना है। MBBS में बनना क्या, सर्जन बनना है, फिजिशियन बन क्या करना? मेरा मेन मोटिव रहा कि मैं सर्जन ही बनूं, बाकी ऊपर वाले देखा जाए क्या होता है, किसमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है क्लास के बाद जी। एक और सवाल ये, डॉक्टर बनकर बहुत लोग लूट लेते हैं, क्या आपका विचार रहेगा इसके माध्यम से? नहीं, मतलब डॉक्टर बनना मेरा मोटिव था कि मेरे गांव का नाम सबसे ज़्यादा हो और उसके साथ साथ मैं अपने एरिया के सारे लोगों का इलाज कर सकूं, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और फ्री में इलाज हो, हेल्प मैं ज़्यादा कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ, इस यही मोटिव मेरा रहा है पहले से, जब से मैंने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। माता जी नेतृत्व कर चुकी हैं इस पंचायत का, जाहिर सी बात है पंचायत के बारे में जानते होंगे। आपके गांव में कोई MBBS डॉक्टर है अब तक? नहीं, फिलहाल मैं ही डॉक्टर बनूंगा पहला इस गाँव। अपने गाँव से जी? लग रहा है पंचायत से या सिर्फ अपने गाँव से? नहीं, पंचायत में और भी लोग हैं लेकिन गाँव से मैं ही डॉक्टर बनूंगा। पहला MBBS आप निकल कर जा रहे हैं जी। चलिए, और जो बच्चे हैं उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देंगे, किस तरीके से प्रिपेयर कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए जिसे आके आप कर रहे हैं? नहीं, अभी किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, चाहे वो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपका हर तरीके से बिल्डअप होना चाहिए। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर आप भरोसा रखें कि हाँ वही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद का एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, टेस्ट देते रहें और अच्छे से तरीके से पढ़ें। चलिए, ये तबरेज आलम थे और बहुत अच्छे अपने ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं बता दूं कि इनके गांव से ये पहला एक लड़का होगा जो कि MBBS बनकर अपने गाँव का नाम को रोशन करेगा। जाहिर सी बात है, बहुत बहुत बधाई, आपके लड़का ने गांव का नाम को रोशन किया है और आप लोगों ने भी इस पंचायत का नेतृत्व कर चुके हैं जी। लेकिन जाहिर सी बात है, लीडर लोगों का लड़का हमें समझ में नहीं आता कहाँ कौन लड़का किस लाइन में चले जाए, लेकिन पढ़ाई के प्रति आपने लड़कों पर कितना विश्वास जताया था आप? हमने तो बहुत विश्वास किया था, मेरा बच्चा होनहार बचपन से ही नज़र आ रहा था हमको। हाँ, इस वजह से हमने मेहनत किया, अब मेरा बच्चा कामयाब भी हुआ, हम खुश भी बहुत हैं। अच्छा, आपके बड़े भी लड़के कामयाब हो चुके? हाँ, मेरा बड़े बेटे भी समझिए कि हाई कोर्ट दिल्ली में बैठ रहे हैं अभी। हाँ, बैठ रहा है, LLB कर चुके हैं, फाइनल हो चुका है उनका। दूसरा बेटा मेरा ये है, MBBS करने जा रहे हैं। हाँ, तीसरा बेटा बनाने की क्या उम्मीद है? तीसरा बेटा को तो हमको सोच रहे हैं कि तीसरा वाले का तो IAS बनाए, चूँकि इन लोगों से थोड़ा होनहार वो ज़्यादा नज़र आते हैं, और वो पटना में अभी हैं, पटना में तैयारी कर रहे हैं। LN में ना, AN कॉलेज पटना में, अभी BSc कर रहे हैं, अब आगे चल के देखिए। सपना देखना और सपना पूरा हो जाना बहुत ऐसे बात होता है, लेकिन हमने दो बच्चों का सपना देखा, दोनों पूरा हो गया जी। क्या उम्मीद है तीसरा बाबू पे आपका? तीसरा बाबू पे भी मेरा उम्मीद वैसा ही है जैसा इन लोगों पे था, जैसे कि ये भी उम्मीद है कि निकाल लेंगे। उम्मीद है कि वो भी निकाल लेंगे, तो हम बिल्कुल निकालेंगे। अच्छा, बच्चों को कैसे गाइडलाइन करते हैं? बहुत ऐसे बच्चे हैं आजकल के जमाने में, अंकल हम बात कर रहे हैं, गार्जियन की बात नहीं मानते हैं, मोबाइल आ गया है, बाइक आ गया है, गार्जियन को कैसे लोग हैंडल करें अपने बच्चों को, कि एक बच्चा तो गलती से कोई सक्सेस हो जाता है, मानते हैं चलिए तुक्का मार दिया, एक भोजपुरी में कहावट है बटाई मार लिया, अपने आपको दो बच्चा जो है दोनों का एक पहला भी सक्सेस दूसरा भी सक्सेस, तो कैसे आप कंट्रोल कर लेते हैं बच्चों पे? नहीं, देखिए बच्चा एक्चुअली बच्चा पढ़ता नहीं है, गार्जियन पढ़ाता है, मेरे हिसाब से बच्चा पढ़ता नहीं है, गार्जियन उसको पढ़ाता है। अगर बच्चा को गार्जियन अगर बढ़िया से गाइडलाइन दे तो बच्चा कामयाब जरूर होगा। सारा बच्चा एक तरह का होता है, कोई बच्चा ऐसा वैसा नहीं होता है, ठीक है। अगर बच्चा पर बढ़िया से बचपन से ही उस पर गाइड किया जाए तो बच्चा हर बच्चा कामयाबी कर सकता है। अच्छा, ये फ्रॉम बिगनिंग गाइड करना चाहिए बच्चों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों लोग फ्री छोड़ देना चाहिए आपके हिसाब से? कुछ नहीं, कुछ छोड़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़रूरत भर ही छोड़ना चाहिए जिससे काम चल जाए,
हाँ, बाकी बच्चों पर बचपन से ही अगर उसको गाइडलाइन दीजिएगा, बच्चा कामयाब होगा। चलिए, आप भी श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे पता है कि एजुकेशन से, एजुकेटेड पीपल से ज़्यादा, मतलब कुछ श्रेष्ठ लोगों से ज़्यादा ज्ञान मिलता है। अंतिम बात यही रहेगा आपसे कि कुछ गार्जियन को क्या कुछ संदेश दीजिएगा बच्चों को अगर आगे बढ़ाना हो तो। देखिए, बच्चों पर सबसे पहले तो गार्जियन को एक्टिव होना चाहिए, उसके गार्जियन अगर एक्टिव रहेगा तो बच्चा भी एक्टिव होगा। बहुत लोग हैं कि बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, बच्चा पर कि बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा सब एक जैसा होता है, बच्चा कोई अपने मर्जी से पढ़ता नहीं है, सबको चाहता है कि हम क्रिकेट खेलें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, सबको अच्छा लगता है बचपन में। लेकिन गार्जियन उस पर गाइड करेगा तो बच्चा जो है कंट्रोल में रहेगा। तो हम तो कहेंगे कि मैंने हर गार्जियन जो है अपने बच्चों पर बढ़िया से ख्याल करें, मोबाइल पर ज़्यादा फोकस ना करने दें। लड़का के पिताजी थे, बात करते वक्त इनके सीना 56 इंची का हो जाता है, इसलिए क्योंकि पहला लड़का भी शौक से, दूसर का लड़का इस गांव से MBBS बन रहा है। अभी कहीं जाएंगे तो अपने नाम से तो कम, लेकिन लोग कहेंगे कि MBBS के पिताजी जा रहे हैं यहाँ पे। तीसरा बच्चा का सपना है IAS बनाने का, मुझे उम्मीद है इनका बच्चा खड़ा उतर पाएंगे। और एक और मैं बात बता दूँ कि जब ये अंकल बात कर रहे थे, इनके शब्द में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चों पर उस तरीके से कंट्रोल किया जाए जिससे कि उसको भी आज़ादी मिले और पढ़ाई के साथ साथ भी उद्देश्य दुनिया को भी देखे। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा सोचो तो कोई भी लड़का सक्सेस हो जाएगा। गार्जियन को बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं अंकल। चलिए, आगे भी बात होगी इनसे, अब दो चार एक दो हफ्ता के अंदर में कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा। 4 साल के बाद संघर्ष मेहनत करने के बाद से MBBS जब लड़का निकल कर आएगा तो फिर ऐसे सेवा का भाव में लग जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ आपके साथ यूनुस, धन्यवाद।